बीटा बीटा बीटा, व्हाट इज बीटा? बीटा क्या चीज है? बीटा खाने की चीज है क्या, पीने की? चारों तरफ ये सुनने में आ रहा है कि बीटा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। आखिर क्या चीज है ये बीटा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ बीटा के बारे में, और बीटा टेस्टिंग क्या होता है ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशुभन और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तक इतना दूर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को बिग लाइक। दोस्तों, बीटा एक तरह की टेस्टिंग है। दोस्तों, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए हमारी जो डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम परचेस करते हैं मार्केट से। तो दोस्तों, मार्केट में आने से पहले वो प्रोडक्ट जहाँ पर तैयार होता है, तैयार होने के बाद उसके ऊपर बहुत तरह की टेस्टिंग यानी कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट में पास होने के बाद उस प्रोडक्ट को भेजा जाता है मार्केट में, और मार्केट में जाके हम लोग उस चीज़ों को परचेस करते हैं। दोस्तों, ऐप का फंडा भी कुछ ऐसी तरह है। अगर देखा जाए तो ऐप के दुनिया में भी ऐप जहाँ पर तैयार होता है और तैयार होने के बाद जो डेवलपर है उन लोग उस ऐप के ऊपर बहुत तरह की एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑल ओवर दुनिया में उसको रिलीज करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले अपने ऊपर ग्रुप वीडियो कॉल का जो एक ऑप्शन था उसको रिलीज़ किया। तो दोस्तों, मान लीजिए आप व्हाट्सएप के बीटा टेस्टर हो, तो आप उसका स्वाद बहुत अच्छी तरह से चख पाएंगे। पहले आपको वहाँ पर जाके उनका बीटा टेस्टर बनना पड़ेगा, फिर उनके बाद आप उनका बीटा टेस्टर का जो स्वाद है यानी नया जो अपडेट है उसको आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो ऐप की दुनिया में ऐसी तरह की कुछ टेस्टिंग होती है। ऐप को तैयार करने के बाद जिन लोग डेवलपर है ऐप का, उन लोग उसकी कुछ एम्प्लॉयमेंट को भेज देते हैं ऐप को टेस्टिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। और अल्फा टेस्टिंग में अगर वो ऐप पास हो गया, फिर उसको भेजा जाता है बीटा टेस्टिंग में। बीटा टेस्टिंग होता है कि कुछ कुछ खास लोग होते हैं जो बीटा टेस्टर होते हैं, और उस ऐप का जो अपडेट वर्सन है उसको चेक करके उन लोग उनको फीडबैक देते हैं यानी कि रिप्लाई देते हैं कि उसमें कोई बग या कोई टेक्निकली फॉल्ट है कि नहीं। अगर टेक्निकली फॉल्ट कहीं नहीं होता तो वो ऐप को ऑल ओवर कंट्री में रिलीज किया जाता है। मतलब बीटा टेस्टिंग ऐप टेस्टिंग का लास्ट स्टेज होता है। दोस्तों, एक्चुअल में बीटा टेस्टिंग होता क्या है कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ने कोई सा भी ऐप को तैयार किया, और उस ऐप को तैयार करने के बाद उन लोग उसके ऊपर कोई छोटा मोटा काम करेंगे, मतलब छोटा मोटा टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद उनका ही कुछ कंपनी का एम्प्लॉयमेंट होता है जिन लोगों के पास उस ऐप को फिर से भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। तो दोस्तों, अगर वो ऐप अल्फा टेस्टिंग में पास हो जाता है तो फिर उस ऐप को भेजा जाता है बीटा टेस्टिंग के लिए। दोस्तों, बीटा टेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है कि जिन कंपनी ने उस ऐप को रिलीज़ किया, उस ऐप का कुछ प्राइवेट कस्टमर होता है, मतलब प्राइवेट कुछ कस्टमर होता है जिन लोग उस ऐप का अपडेट वर्जन को यूज़ करने का मौका पाता है, फास्ट यूज़ करने का मौका पाता है, जिसको हम कहते हैं बीटा यूज़र। तो दोस्तों, आप भी ऐसी तरह कोई ऐप का बीटा टेस्टर बन सकते हैं। बहुत सारा ऐपों का बीटा टेस्टर आप नहीं बन सकते, कुछ कुछ ऐपों का बीटा टेस्टर आप बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखा देते हैं आप किस तरह कोई सा भी ऐप का बीटा टेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरे प्ले स्टोर के ऊपर, और आप भी प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर जाके इस तरह सर्च कीजिए जिसका आपको बीटा यूज़र बनना है। दोस्तों, पहले ही मैं बता दे चुका हूँ कि बहुत सारा ऐप ऐसी है जिनका बीटा यूज़र आप नहीं बन सकते। तो सर्च करने के बाद सपोज़ मान लीजिए मैं माई एयरटेल जो ऐप है उसका बीटा यूज़र बनना चाहता हूँ, तो नीचे स्क्रॉल करते करते आइए, यहाँ पर देखिए ज्वाइन द बीटा का एक ऑप्शन दिया है। तो आप बीटा यूज़र बनना चाहते हैं तो ज्वाइन के ऊपर आपको टैप करना है, और ये आपसे पूछेगा कि आप सच में बीटा यूज़र बनना चाहते हैं। तो आप बनना चाहते हैं तो ज्वाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा समय लेगा, फिर आपको बीटा यूज़र बना देगा। अगर आप नहीं चाहते कि आप इनका बीटा यूज़र रहे, निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए लीव का एक ऑप्शन दिया है। इस लीव के ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर जो ये राइट साइड में लीव का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टैप करने से देखिए फिर यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आ गया, यानी कि आप इनका बीटा यूज़र नहीं रहे। तो
तो दोस्तों ऐसी तरह कुछ कुछ ऐप है जिनका बीटा यूज़र आप नहीं बन सकते, जैसे मैं दिखा देता हूँ, फोन पे। फोन पे जो ऐप है यहाँ पर देखिए बीटा का ऑप्शन आता था, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बीटा का जो है एक कोटा होता है, जो जगह होता है वो बहुत ही कम रहता है, इसलिए कुछ ही लोगों को मिलता है, सब लोग को एक साथ बीटा का स्वाद चखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ऐसी तरह कुछ ऐप है जिनका बीटा यूज़र आप नहीं बन सकते क्योंकि वो पहले से ही फिलअप हो चुका है। तो दोस्तों यही था कंप्लीट बीटा बीटा टेस्टर को लेकर, जो मैंने सब कुछ मेरे इस वीडियो में आपको बता दिया और ये भी दिखा दिया कि आप किस तरह से ऐप का बीटा टेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों दो बात याद रखिएगा, एक है बहुत सारा ऐप ऐसा है जिनका बीटा टेस्टर आप नहीं बन सकते, और दूसरा बात बीटा टेस्टर के लिए जो जगह रहती है वो बहुत ही कम रहती है, इसलिए बहुत सारा लोग एक साथ बीटा यूज़र नहीं बन सकते, कुछ कम लोग बीटा यूज़र बन सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नीचे मेरे चैनल टेकनिक को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।